आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होमी जहांगीर भाभा की। किसी भी तरह के इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी को पता है विजनरी थे ये। दोस्तों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, भारत को कितनी ज्यादा जरूरत है न्यूक्लियर एनर्जी की, ये इन्होंने बताया। पूरा क्रेडिट होमी भाभा को ही जाता है। दोस्तों बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है दोस्तों इनकी मौत को लेके। इनकी मौत जो है वो प्लेन क्रैश में हुई थी, ठीक है। इनका प्लेन क्रैश कर गया था, एयर इंडिया का विमान था। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि उस समय भारत एक न्यूक्लियर पावर बनने की कगार पे था और इस पे काम बहुत तेजी से हो रहा था और पूरे का पूरा जो श्रेय है वो होमी भाभा को जाता है, तो अमेरिका ने पूरी साजिश रच के इनको मरवा दिया। और ऐसी चौंकाने वाली दोस्तों थ्योरी सामने आई है, शायद उन्होंने ही किया हो, क्या पता। तो दोस्तों हम होमी भाभा के बारे में जानेंगे। दोस्तों गजब के इंसान थे, जबरदस्त। स्पोर्ट्स में तो इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनको। सारी पेंटिंग खरीद लेते थे, पेंटिंग बनाने का भी शौक रखते थे। क्लासिकल म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था दोस्तों, गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक था। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, कोई भी साइंटिस्ट अगर वहां पे जाता है, बता दूं कि वो उस इंस्टीट्यूट को बनाने में भाभा होमी भाभा का बहुत बड़ा हाथ था, और क्या कहते हैं उसके पहले डायरेक्टर भी बने थे ये। तो कोई भी साइंटिस्ट वहां पे जाता है तो उसको बोलता है कि इससे सुंदर बिल्डिंग है ही नहीं। आप मेरी आवाज से देख ही रहे होंगे, मतलब देखेंगे कैसे, सुन के समझ ही गए होंगे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया, इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। होमी भाभा का जन्म एक अच्छी खासी वेल्दी फैमिली में हुआ था, काफी अमीर था इनका परिवार और एजुकेशन से पूरे परिवार का बहुत पुराना नाता था। होमी भाभा जो थे, इनका परिवार टाटा ग्रुप से ताल्लुक रखता था, ठीक है। मतलब जो टाटा थे, रतन टाटा, GRD टाटा, रतन टाटा तो नहीं लेकिन GRD टाटा, और उन सबसे इनके अच्छे खासे रिलेशन थे। तो दोस्तों ऐसा है कि 30 अक्टूबर 1909 में इनका जन्म होता है, और अच्छी, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी, इनका जो पूरा ट्रेडिशन है, इनकी फैमिली का पूरा ट्रेडिशन है, ये यही बिलीव करते थे कि देश को जितनी सर्विस दे सको दे दो। इनके दादाजी भी भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर जनरल थे। इनके पिताजी भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे, ऑक्सफोर्ड एलमनी थे। तो इनका जो पूरा परिवार है वो एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा समर्पित था, और इनसे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब दोस्तों ऐसा है कि इनके, वैसे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पारसी फैमिली थी ये, ठीक है। ये पारसी फैमिली थी इनकी, जहांगीर हरमजी भाभा, और इनकी मदर का नाम था मेहरिन पांडे। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर इनके एजुकेशन की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको ये बचपन से बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। स्पोर्ट्स में इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, ना ही बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब क्या थे कि इनका पूरा परिवार चाहता था कि एक इंजीनियर बने, ये एक इंजीनियर बने, लेकिन इनका जो प्यार था वो फिजिक्स की तरफ था। ये फिजिसिस्ट बनना चाहते थे और वो बने भी। अब दोस्तों इनकी शुरुआती पढ़ाई जो है वो बॉम्बे में ही हुई, वहीं पे ही कैथेड्रल में। उसके बाद फिर वहां का जो बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है बॉम्बे का, एल्फिंस्टन, मुंबई का एल्फिंस्टन कॉलेज, वहां पे इनको दाखिला कराया, वहां पे इनकी पूरी शुरुआती पढ़ाई हुई। उसके बाद ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गए और 18 साल की उम्र में ये चले गए इंग्लैंड। अब दोस्तों इन्होंने इंग्लैंड में झंडे गाड़ने स्टार्ट कर दिए। वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, वहां का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैश कॉलेज, वहां पे पढ़े ये, और पूरी तरीके से डिवोट हो गए साइंस में। वैसे प्लान यही था कि वहां से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आएंगे और उसके बाद फिर टाटा स्टील मिल्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दोस्तों साइंस का मतलब उस समय साइंस, क्योंकि भारत तो आजाद भी नहीं हुआ था, और उस समय साइंस की डिग्री अगर किसी के पास है, आप समझ सकते होंगे उसकी वैल्यू क्या से क्या रही होगी। आज तो गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा घट गई है, लेकिन दोस्तों कोई भी देश जो है वो इंजीनियर से ही बनता है, इंजीनियर ही बनाते हैं, मतलब साइंस ही बनाती है उसे। तो यही पूरा प्लान था कि इंजीनियरिंग करके यहां पर आके एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्री में जॉब करेंगे जहांगीर बाबा। लेकिन उनके प्लान्स कुछ अलग थे। वहां पे जब तक रहे ये, तब तक तो साइंस में पूरा ये डिवोट रहे, और उसके बाद उन्होंने काफी पेपर भी पब्लिश किए। 1932 में दोस्तों इन्होंने मैथमेटिक ट्राइपॉज, दोस्तों एक तरह की डिग्री होती है, कोर्स होता है बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में,
3 से 4 साल का कोर्स होता है, इसमें एडवांस स्टडी या फिर मास्टर डिग्री और बैचलर इन मैथमेटिक्स ये सब कराई जाती है, और फर्स्ट डिवीजन इनको मिली। दोस्तों बहुत सारी इनको वहां पे स्टूडेंटशिप मिलती थी, इनको काफी फेलोशिप भी मिली हुई थी, सोलोमन स्टूडेंटशिप इनको मिली हुई थी 1931-1932 में, उसके बाद इनको आइसेक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिली थी इनको 1934 में, तो बहुत ज्यादा इन्होंने की। उसके बाद दोस्तों इंजीनियरिंग में ये करी इन्होंने, और उसके बाद फिर इनको पता चल गया कि मुझे एक फिजिसिस्ट बनना है, तो फिर परिवार से इन्होंने बातचीत करके इन्होंने बोला कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है, और न्यूक्लियर फिजिक्स फिर जो ब्रांच थी इन्होंने परस्यू की, और उसके बाद यहां से इनको डॉक्टरेट डिग्री मिली 1934 में, और यहां से इनका करियर जो था वो पूरी तरीके से बदलना शुरू हो गया। इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त पेपर पब्लिश किया था दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन 1933 में। उसके बाद इन्होंने एक और पेपर पब्लिश किया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की स्कैटरिंग पे, जिसको भाभा स्कैटरिंग बोला गया था दोस्तों। बहुत ज्यादा स्कैटरिंग के तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा, काफी टेक्निकल है, अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगा दोस्तों। ये सारी चीजें जो है इससे बहुत सारी एनर्जी मिलती है, अगर आपको एनर्जी मिल रही है, स्पेशली अगर न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का अगर कंस्ट्रक्टिव यूज किया जाए, ठीक है, आमतौर पे हम यही समझते हैं कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी वर्ड सामने आ रहा है तो भैया एटम बॉम्ब, ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत सारे उसके यूज होते हैं और कंस्ट्रक्टिव यूज होते हैं, सबसे ज्यादा उसका जो यूज होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस मतलब बिजली बनाने में होता है। थोड़े से फ्यूल से, जरा से फ्यूल से आप सालों सालों तक बिजली ले सकते हैं, ऐसा करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भाभा ने बहुत ज्यादा काम किया। अब दोस्तों अगर एब्जॉर्प्शन और कॉस्मिक रेडिएशन, ये कॉस्मिक रेडिएशन की बात करें दोस्तों, तो कॉस्मिक रेस क्या होती है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन होती है जो सोलर सिस्टम के बाहर होती है, ठीक है, या डिस्टेंट गैलेक्सी से आती है। जैसे ही वो अर्थ के एटमोस्फियर में आती है, अर्थ के एटमोस्फियर से इंटरैक्ट करती है, भाई अर्थ के एटमोस्फियर में भी तो पार्टिकल है ना, वहां पे फिर शावर्स मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और शावरिंग होती है सेकेंडरी पार्टिकल्स की। मैंने बोला था ना थोड़ा टेक्निकल है, छोड़िए, अच्छा अभी रहने दीजिए, मैं ज्यादा फिजिक्स में भी नहीं घुसूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इनका ये पेपर पब्लिश था, एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। जब भी मैं फिजिक्स को देखता हूं पता नहीं मेरे क्या हो जाता है, मैं बस लगता है कि अब चलो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा है कि इनका पेपर बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। अब दोस्तों इन्होंने उस समय के बहुत ही बड़े बड़े फिजिसिस्ट के साथ काम किया था, भैया नील बोहर्स के साथ भी इन्होंने कुछ टाइम के लिए काम किया था, वैसे ज्यादातर तो कैम्ब्रिज में ही रहे थे, लेकिन नील बोहर्स के साथ भी इन्होंने काम किया था कुछ टाइम तक कोपेनहेगन में। तो ये चीज थी। फिर दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग पे भी इन्होंने काफी काम किया, और बाद में उसको भाभा स्कैटरिंग बोला गया। दोस्तों आपको पता ही है कि मैटर और एंटी मैटर ये दोनों बहुत ही भयानक चीजें हैं। एंटी मैटर क्या होता है भैया? एंटी मैटर होता है मैटर का ठीक उल्टा, सब कुछ सेम लेकिन चार्ज डिफरेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है ना, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या है? पॉजिट्रॉन। मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में, आप हैं, आपका ठीक उल्टा, ऐसा बोला जाता है कि एक पैरेलल यूनिवर्स है हमारा, हमारा एक पैरेलल यूनिवर्स है, मतलब जैसा हमारा यूनिवर्स है उसके ठीक उल्टा एक और यूनिवर्स है, तो उस यूनिवर्स में बिल्कुल हम ही हैं लेकिन हमारे उल्टे नेचर के वहां पे लोग हैं, मतलब एंटी मैटर्स हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा डिस्कार्ड की गई है, अब इसमें फिलहाल इसमें भी मैं इतना नहीं जाऊंगा। आप जैसे जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप ठीक है, लेकिन शीशे के सामने आपकी उल्टी इमेज दिखती है, तो वो उल्टी इमेज आप एंटी मैटर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब ऐसा बोला जाता है जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, एनहाइलेट हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब आप कभी भी पैरेलल यूनिवर्स में अगर गए और अगर आप अपने एंटी मैटर से मिले, मतलब जो भी इस समय आपका नेचर है उससे ठीक उल्टा, अगर आप इस समय पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो वहां पे वो इंसान पढ़ने में बहुत बेकार होगा, आपका नेचर इस समय बहुत अच्छा है तो वहां का उसका नेचर बहुत खराब होगा, तो जब आप उस एंटी मैटर को छुएंगे आप गायब हो जाएंगे, दोनों गायब हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस, प्लस वन माइनस वन क्या बनाता है? जीरो। तो ये है, तो एंटी मैटर, आई होप आप समझ गए होंगे, सब एग्जाम्पल थे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल थे भैया, फिजिक्स ऐसे ही समझ में आती है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या होता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये मैटर और एंटी मैटर मिलेगा,
अब दोस्तों यही न्यूक्लियर फिजिक्स है, ढेर सारे पार्टिकल्स को स्टडी करना, क्या उसका नेचर होता है, उसी को ही न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। उससे एनर्जी कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे, मैटर एंटी मैटर मिलेंगे, तो सब कुछ गायब हो जाएगा, दोनों गायब हो जाएंगे। लेकिन होमी भाभा ने यह ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं होता है, कुछ बहुत बड़ी चीज होती है, स्कैटरिंग तक हो जाती है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, स्कैटर कर जाते हैं, एनर्जी भी उससे हम ले सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर्स बना सकते हैं, तो इसको भाभा स्कैटरिंग बोला गया। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है दोस्तों, मेरा एक सब्जेक्ट था न्यूक्लियर फिजिक्स, मैं बताता हूं, जब मैं एमएससी में था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, ठीक है, और तब मैंने देखा कि इसका स्कोप कितना ज्यादा बड़ा है। कई बार हम इसको थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत ही छोटे से ही, मतलब बहुत ही छोटी क्लास से ही बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि इंटरेस्ट जगे, ठीक है, एटम बम बनाने के लिए नहीं, कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए। तो दोस्तों अब वहां पे रहते हैं ये, उसके बाद फिर वापस ये इंडिया आते हैं 1939 में, दोस्तों ये इंडिया आते हैं और एक वैकेशन के लिए इंडिया आते हैं, छुट्टी लेके वो इंडिया आते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक बहाना ढूंढ रहे थे, होमी भाभा बस एक चीज चाह रहे थे कि किसी तरह मैं भारत जाऊं। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है, भैया इंग्लैंड में रहना खतरे से खाली नहीं, इंग्लैंड को अगर लगता, क्योंकि इंग्लैंड, भैया हिटलर ने क्या किया था, पूरे यूरोप को जीत लिया था, खाली इंग्लैंड बचा हुआ था, हिटलर की बायोग्राफी मैंने सेपरेट कवर की है, तो बेटर है कि इंग्लैंड छोड़ के यहां आ जाओ, वरना हम भी नप जाएंगे। तो होमी भाभा फिर यहां आते हैं, वैसे भी एक बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरह भारत में आए और काम करे, और यहां पे फिर उनका गोल्डन करियर स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा है, जैसे ही भारत आइए तो इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो बैंगलोर में है, हमेशा जब भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंक निकलती है उसका नाम हमेशा होता है, ठीक है, वहां पे 1940 में वहां पे एज अ रीडर उनको इलेक्ट किया गया। आई एम सॉरी शायद 1940 में नहीं था, मैं अभी आपको डेट कंफर्म करके बताता हूं, 1900 मतलब जब ये रिटर्न है, ठीक है, जब भारत लौटे, क्योंकि भाई इनको काम तो करना ही था ना। अब दोस्तों IISc के उस समय हेड कौन थे, सीवी रमन दोस्तों, भैया एक और गजब के इंसान, नोबेल प्राइज इनको मिला था सीवी रमन, तो वो थे, उन्होंने इनको ऑफर दिया, वैसे बहुत सारे इनको ऑफर आ रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे ऑफर आ रहे थे इनको, लेकिन दोस्तों जब ये वापस आए थे 1940 में, तो उन्होंने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया था, और उसके बाद ये IISc में एज अ रीडर वहां पे पढ़ाते थे ये, ठीक है, लेकिन ये तो खाली शुरुआत ही है, मैं शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी थी। अब दोस्तों ऐसा है कि उस समय भाभा को ये समझ में आ गया था कि अगर कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, ठीक है, इन्होंने लेटर्स लिखे, इन्होंने GID टाटा को समय लेटर लिखा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए या कुछ हम ऐसा करें जिससे न्यूक्लियर फिजिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि उस समय भारत के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी ना, कुछ नहीं था भारत में, पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, ऐसा क्रिएट करके गए थे ब्रिटिश। तो GID टाटा ने बहुत ही पॉजिटिवली रिप्लाई किया और उन्होंने बोला ठीक है आप इसमें आगे बढ़िए। तो फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टैब्लिश हुआ, बता दो भैया हेडक्वार्टर कहाँ है, TIFR दोस्तों, इतना खतरनाक पेपर आता है दोस्तों, मैंने उसका एंट्रेंस दिया था, बहुत ही टफ, हवा ही नहीं लगी थी, क्वेश्चन बहुत टफ पेपर आता है दोस्तों। तो TIFR जो इंडिया का बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है और वहां पे हर तरीके की साइंस को इस समय तो पढ़ाया जाता है, तो ये भाभा के इनिशिएटिव से स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 1 जून 1945 को स्टैब्लिश किया गया और भाभा चेयरमैन बने। उसके बाद दोस्तों 1947 आया, दो इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी दोस्तों यहां पे बहुत ही ज्यादा, CSIR रिव्यू कमिटी और साइंटिफिक मैन पावर कमिटी, इसके भी मेंबर बनाए गए। भैया उस समय जितने भी जो भी लोग थे सबको साथ में लाया जा रहा था, जितने भी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, भारत आजाद हो गया था और यही मौका था भारत के पास कि कुछ बड़ा कर दिखाएं, और होमी भाभा को बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी पोजीशन मिलनी थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत जबरदस्त पोजीशन पे थे, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है कि उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर क्या हुआ कि ये जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र भेजते हैं कि एक एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट भी, मतलब एटॉमिक एनर्जी के भी क्षेत्र में हमको कुछ करना चाहिए, और एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं हम लोग कि जिसमें काफी कम लोग हो, 3 लोगों मैक्सिमम, उसका एक हेड हो और वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को आंसर करे। इसको क्या बोला गया भैया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में।
और तभी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ 1948 में, जवाहरलाल नेहरू ने इसको पूरी तरीके से मंजूरी दे दी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन फिर 1948 में, अगस्त 1948 में पास हुआ, मतलब एस्टैब्लिश हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं है, होमी जे भाभा उसके चेयरमैन थे सबसे बड़े। तो अब यहां से दोस्तों, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इस समय डिपार्टमेंट ऑफ डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया, नेम चेंज करा दिया गया। लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी आप कैसे करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी आप ऐसे तो करेंगे नहीं कि आपने उठा गए दुकान में, बोला कि भैया दो किलो यूरेनियम जो है वो दे दो, और उसने आपको दे दिए। चुटकी भर यूरेनियम दोस्तों करोड़ों में मिलता है, ब्लैक मार्केट में तो बहुत बड़ी कीमत है यूरेनियम। आपको फ्यूल की जरूरत होगी ना, आप फ्यूल कहां से लाएंगे वहां पे? अब यहीं से ही तो दोस्तों मेन कहानी स्टार्ट होती है कि यहां पे भारत उस समय बिल्कुल आजाद हुआ था और भारत कुछ भी नहीं बनाता था, लेकिन यहां पे होमी जे भाभा ने बड़ी बहुत कड़ी मेहनत की और एक ऐसा ग्रुप बनाया जो काफी एफिशिएंट लोगों का था, ठीक है, ब्रिलियंट लोगों को लेके आए साथ में, जितना भी हो सके जो कहते हैं ना कि जो फाइनेस्ट माइंड्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया और फिर स्ट्रैटेजी स्टार्ट की कि किस तरह से हमको क्या करना है। अब दोस्तों यहां पे जो शुरू की दो डिवीजन बनी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में, वो क्या बनी? एक तो पहली थी तो एटॉमिक मिनरल डिवीजन और दूसरी यूरेनियम कॉरपोरेशन। तो ये दो सबसे पहली डिवीजन बनी, भैया अगर यूरेनियम को नहीं खोदेंगे हम थोरियम, मतलब अगर न्यूक्लियर फ्यूल नहीं करेंगे तो फिर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये चीज थी। उसके बाद इधर टीआईएफआर में क्या हो रहा था? टीआईएफआर दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बहुत सारे सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ाए जाने लगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पे भाभा ने सोचा कि हमको एक सेपरेट लेबोरेटरी जो है वो बनानी पड़ेगी ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का अलग से काम हो सके। तो दोस्तों उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, बॉम्बे के पास ट्रॉम्बे है और वहां पर इन्होंने लेबोरेटरी बनाना स्टार्ट कर दिया। 1955 में अप्सरा का उद्घाटन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसको नाम दिया भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इनफैक्ट एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा एस्टैब्लिश हुआ। अब दोस्तों ऐसा है ना कि यहां पे अमेरिका बहुत ही एकदम अपनी नजरें गड़ाए देख रहा था, वो तो बोल रहे थे कि भैया इसे कैसे हो सकता है, आपको पता ही है ना 1945 में वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई थी, कोल्ड वॉर का एरा पूरा स्टार्ट हो गया था, अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर बने। इनकी मौत की काफी जो स्टोरीज हैं जो बताई जाती है, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ अमेरिका का हाथ होगा। चलिए खैर उसको आगे देखेंगे, अभी मैं उसका मजाक जो है वो किरकिरा नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कनाडा से कोलैबोरेट किया, साइरस बनाया और भी उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मतलब काम करना शुरू किया। तो दोस्तों साइरस और अप्सरा पूरी तरीके से फंक्शनल हो गए थे और उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक ऐसा इंडियन रिएक्टर बनाए जो 100% भारतीय हो भैया, तब जेलिना को बनाने का काम शुरू हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी को, एटॉमिक एनर्जी को कमर्शियल प्रोसेस, कमर्शियल यूज में कैसे लाया जाए, उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे किया जाए, ये इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों भारत की तरफ से ये न्यूक्लियर डिप्लोमेट भी रहे, जितने भी बाहर जो है वो मीटिंग होती थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की, आईएईए की, उसको अटेंड करते थे, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती थी, ठीक है। भारत का 3-स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, विक्रम साराभाई को असिस्ट किया था, उनको सपोर्ट किया था कि आप थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाए। विक्रम साराभाई एक और गजब की पर्सनैलिटी, उनके बारे में भी दोस्तों हम जानेंगे। तो इनका पूरा ये दोस्तों काम रहा और काफी ज्यादा पैशनेट रहे, आर्ट से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पता है ये जहां पे भी जाते थे इनको कोई भी पेंटिंग पसंद आती थी सारी पेंटिंग्स खरीद लेते थे। टीआईएफआर में इन्होंने पूरा कलेक्शन बना के रखा था खूबसूरत पेंटिंग का, गार्डनिंग का बहुत ज्यादा इनको शौक था, किस तरह से गार्डन्स को प्लान करना है, उसको डिजाइन करना है, गार्डन्स की स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये सब बताया था। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों टीआईएफआर इतना सुंदर बना है दोस्तों कि बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं वो तो बोलते हैं कि इससे सुंदर तो हमने कुछ देखा ही नहीं। अब दोस्तों 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है, माउंट ब्लैंक पे टकरा जाती है और ऐसा तर्क दिया जाता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ जिसमें होमी जे भाभा की मौत हो गई। इससे पहले दोस्तों क्या हुआ था? 2 हफ्ते पहले ही किसकी मौत हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। आपको याद है कि 1965 भैया
अयूब खान को ये गलत फहमी हुई थी कि हम जो है भारत पे कब्जा कर सकते हैं, पीछे अमेरिका कहाँ था जाहिर सी बात है, और भारत को पूरी तरीके से पछाड़ सकते हैं और कश्मीर को ले सकते हैं, तो ये गलत फहमी हो गई थी। अब भैया लाल बहादुर शास्त्री का मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर दोस्तों किया है, दो पार्ट में है, उनकी बुक पे ही है और उसमें लाखों लाखों लोग उस पे उसको देख चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। तो ये अयूब खान को गलत फहमी हो गई थी, तो इधर भारतीय सेना ने तो पूरा लाहौर तक वो पूरा कब्जे में ले लिया था। तो यहां पे फिर अगर यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर नहीं करता, अमेरिका इंटरफेयर नहीं करता, तो वहां तो वो आधा पाकिस्तानी भारत के पास चला जाता। लेकिन ऐसा हुआ, ताशकेंट समझौता हुआ दोस्तों, और आपको पता ही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय हालत में मृत्यु हो गई, और उसके 2 हफ्ते बाद होमी जे भाभा मर गए। तो दोस्तों ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। अब दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लगता है, बाद में काफी लोगों ने ये बोला भी, रिपोर्ट्स भी आई, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले इसलिए इसको बार बार नकारा जाता है, लेकिन बाद में ये बोला भी गया कि यहां पे CIA का हाथ है, एक CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्राउली ने ये खुद माना है, जी हाँ, कि हाँ हमने भैया ऐसा किया था। आपको बता दूं दोस्तों कि तीन थ्योरी दी जाती हैं, एक बोला जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब वहां से डायरेक्शन कुछ आ रहे थे और ये डायरेक्शन कुछ ले रहा था पायलट, जिसकी वजह से वो मॉन्ट ब्लैंक में टकरा गया जो विमान था। दूसरा ये बोला जाता है कि CIA ने कार्गो में बम रख दिया जिसकी वजह से वो प्लेन फट गया, और तीसरा ये बोला जाता है दोस्तों मिसाइल ने प्लेन को हिट गया या दूसरे प्लेन से टकरा गया, ठीक है, और ये बिल्कुल सोची समझी शायद साजिश थी। दोस्तों CIA ऐसा करता रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करता है, फिडल कास्ट्रो को मरवाने की पूरी कोशिश की थी CIA ने, असफल रहा था, खाने में जहर, पॉइजन पिल्स, हर चीज कोशिश की थी, मैंने कवर किया था ना दोस्तों चे गुएरा में बताया था, तो उसमें CIA ये हमेशा करता रहा है। अमेरिका कभी भी ये नहीं बर्दाश्त करता है कि उसके सामने कोई खड़ा हो। आज जितना भी दुनिया में क्योस है दोस्तों, उसके पीछे अमेरिका है, सबको अमेरिका ने खड़ा किया, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खड़ा किया, बगदादी को अमेरिका ने खड़ा किया, और उसके बाद जब वो बेलगाम हो गए तब अमेरिका फिर रोता रह गया। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सच में CIA ने ऐसा किया हो, क्योंकि उस समय भारत न्यूक्लियर पावर बनने की कगार पे था, न्यूक्लियर एनर्जी बनने वाला था दोस्तों, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज थी, बड़ी रहस्यमय हालत में मौत हुई थी दोस्तों। अब इसमें भी पूरी एक थ्योरी है, फिलहाल मैं अपने लेक्चर को यही रोकूंगा। कुछ भी हो दोस्तों, होमी जे भाभा एक जबरदस्त विजनरी थे, जितने भी बाद में टेस्ट हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय का हो, चाहे वो 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय का हो, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट हो, उसका पूरा क्रेडिट होमी जे भाभा को जाता है। अगर वो नहीं होते तो आज भारत एक न्यूक्लियर पावर नहीं होता। आशा करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर कीजिए। तब तक कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।